डियर फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अनडमी आई के चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई और आपकी हेल्थ दोनों ही अच्छी होगी आप सभी को पता है कि एस समिट फाइनली कंक्लूड हो चुका है एस जयशंकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बिहाफ में इस साल इस्लामाबाद गए थे और जो कि बहुत सिग्निफिकेंस था बिकॉज दस साल के बाद भारत के फॉरन मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं लास्ट टाइम सुषमा स्वराज गई थी दो में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान और उसके दस साल के लॉन्ग गैप के बाद फाइनली आवर फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज विजिटेड पाकिस्तान आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एस के मेजर आउटकम्स क्या हैं खासकर इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनका पूरा एस के समिट में क्या कहना था क्या स्पीच था उसको समझेंगे और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उनका एस समिट में क्या स्पीच है उसको भी समझेंगे सरप्राइजिंगली पाकिस्तान जो हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑप्शस रहता है अगर आप शहबाज शरीफ की यूनाइटेड नेशन में स्पीच की बात करोगे तो कश्मीर ह्यूमन राइट्स एंटी इंडिया क्लियरली दिख रहा था लेकिन इस बार शहबाज शरीफ ने थोड़ा प्रागमेटिज्म दिखलाया है और एक काफ़ी बेहतरीन स्पीच दिया है ब्रेकिंग फ्रॉम व्हाट पाकिस्तान ऑलवेज डज़ हमेशा से एक ही मुद्दा रहता है उनके पास इंडिया ये कह रहा है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बट दिस टाइम ही डिन गो इन दैट डायरेक्शन एंड रादर ही हैज मेड अ रिलेटिवली बेटर स्पीच देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग शहबाज शरीफ के स्पीच को भी डी करेंगे और पूरे एस के जो मेजर टेकअवेज हैं इनको हम लोग समझेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है जानने आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भूलने की बीमारी एक एस्पिडेंट के लाइफ में बहुत बड़ी होती है आज आप जो भी चीज़ पढ़ते हो यू फॉगेट आफ्टर फाइव और टेन डेज और इसकी वजह से आपको पढ़ने में मजा नहीं आता बिकॉज आप पुराने चीज़ भूलते रहते हो ये इसीलिए भूलते हो बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि वॉट इज द साइंस इन विच योर ब्रेन वर्कस हाउ डज़ द ब्रेन मेमरी वर्क इसके लिए साइंटिफिक एनालिसिस बहुत जरूरी है इन साइंटिफिक एनालिसिस को समझने के लिए आई हैव रेड मैनी ऑफ द जर्नल्स एंड द रिसर्च पेपर्स जिसके बेसिस पे मैंने ये एक स्ट्रैटेजी डिस्कवर किया है कि हाउ कैन यू रिमेंबर वॉट यू हैव रेड इसी के लिए अन अकेडमी आई एस एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रही है ट्वेंटी एथ अक्टूबर को पाँच बजे शाम को जहाँ पे आई विल बी टीचिंग यू द आर्ट ऑफ रिविजन एंड नोट्स मेकिंग सो प्लीज अटेंड दैट वेबिनार अकेडमी आई एस ऑल्सो इज ऑफरिंग ग्रांड ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट वर्थ रुपीज वन करोड़ उन्नीस अक्टूबर को यह स्कॉलरशिप टेस्ट है अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यू आर कोड पर स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं बैचेस की बात करें तो करोलबाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस चौबीस अक्टूबर से मुखर्जीनगर में हिंदी मीडियम के बैचेस इक्कीस अक्टूबर से प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को और पटना में भी हमारे बैचेस यूपीएससी बीपीएससी के लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं

विजिट और एस जयशंकर के मेजर स्पीच जो उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा है उसको हम लोग समझने का काम करेंगे बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग वॉट एस जयशंकर सेड एक बात ये जरूरी है समझना कि एस जयशंकर का पाकिस्तान जाना दैट वॉज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दस साल से लगातार कोई भी इंडिया के मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट नहीं किए हैं जिसकी वजह से एक तरीके का डिप्लोमेटिक शटडाउन ब्रेकडाउन रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और इतने ज्यादा टेंस माहौल में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं सो दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू हैपन अगर भारत चाहता तो वो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज सकता था बट फॉरन मिनिस्टर इज गोइंग टू पाकिस्तान दैट वॉज अ इम्पॉर्टेंट थिंग और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की खुद के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आतुल्ला तसर उन्होंने कहा है कि इट इज अ आइस ब्रेकर कंसिडरिंग द रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ जयशंकर विजिटिंग पाकिस्तान आफ्टर अ गैप ऑफ सो मेनी इयर्स बिकॉज जयशंकर जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंसिस्टेंट है उन्होंने एक बात क्लियर रखा है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गोट टुगेदर एरा ऑफ अन इंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर अनटिल इस्लामाबाद डील्स विद टेरिस्ट ग्रुप ऑन इट सॉयल दैट थ्रेटन्स इंडिया देर कैन बी नो टॉक जब तक पाकिस्तान टेररिज्म जो इंडिया के लिए परपैचुएट करता है उसको खत्म ना करे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है तो एस जयशंकर वॉज वेरी कैटेगोरिकल इन इट्स टैंड बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स विजिटिंग पाकिस्तान इट शोज हाउ मच जयशंकर इज कमिटेड टू एस सी ओ यह चीज हमें पता चलता है कि जयशंकर एस सी यू के लिए कितने कमिटेड है द सेम इंडिया डज नॉट अटेंड दिट सार्क समिट में हम अटेंड नहीं करते इनफैक्ट दो हजार सोलह से सार्क की समिट हुई भी नहीं है बिकॉज पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर रहा है जो इंडिया के लिए वो प्रोमोट करता है लेकिन एस सी ओ इतना हमारे लिए सिग्निफिकेंस है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं दस साल के बाद सो दैट्स वाई दिस एस जयशंकर विजिटिंग पाकिस्तान इज इट्स सेल्फ अ सक्सेस स्टोरी ये एक अपने आप में ही एक अच्छी डेवलपमेंट है और जिस तरीके से एस जयशंकर अब भारत आ चुके हैं और उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है थैंक्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द ग्रेट हॉस्पिटैलिटी सो ये बताता है थोड़ा सा जो एक कॉम्युनिकेशन गैप था दोनों कंट्री में वो कम हुआ है और एट द एंड होना भी चाहिए बिकॉज इंडियन पाकिस्तान आर टू आइज ऑफ द सेम ब्राइड लेकिन आज पाकिस्तान की कुछ हरकतों की वजह से ये रिलेशन डाउनफॉल पे है लेकिन रिवाइव तो होना ही चाहिए और रिवाइव एक दिन में तो होगा नहीं इट विल टेक नाउ अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें एक अच्छा स्टेप है कि एटलैंड एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन चैनल बना है ना क्यों एस इतना मैटर करता है कि एस जयशंकर पाकिस्तान गए ये अभी आपको समझना पड़ेगा पहला रीजन है कि ए इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस है फिलॉसफी है जो नेहरू के समय नॉन अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता था और आज के समय इसको हम स्ट्रैटेजिक अटोनॉमी के नाम से जानते हैं जो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगर इस फॉरेन पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपको खड़े होना है देन इंडिया के नॉट ज्वाइन वन ऑफ द ब्लॉक बिकॉज स्ट्रेटेजिक अटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कोई एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे रैदर आई विल हैव इक्वल पार्टनरशिप विद बोथ द ब्लॉक्स सो ऑन द वन हैंड वेन इंडिया इज मैंबर विद द वेस्टर्न ब्लॉक विच इज क्वाड देन फॉर स्ट्रेटेजिक अटोनमी इंडिया ऑल्सो हैज टू बी अ मेंबर ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक विच इज एस सी ओ और ब्रिक्स तो एस सी ओ और ब्रिक्स में मेम्बर रहने से इंडिया की जो नॉन अलाइंट क्रीडेंशियल्स हैं वो स्ट्रोंग होती हैं दूसरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा आउटरीच ये पॉसिबल हो पाता है इसकी वजह से सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंस है बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स इंडिया का जो आउटरीच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए वो हमेशा से कम रहा है बिकॉज वी डू नॉट हैव कनेक्टिविटी वी डू नॉट हैव पीपल टू पीपल टाइज वी डू नॉट हैड इंस्टीट्यूशंस जो हमारे रिलेशन को बना सके बट एट बिकॉज ऑफ एस सी ओ एटलीस्ट आवर लीडर्स मीट विद सेंट्रल एशियन लीडर्स तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत कर सकते हैं थर्ड थिंग बायोलैट चाइना एंड पाकिस्तान क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन हमारा गलवान के बाद आपको पता है कितना लोएस्ट लेवल पहुंच चुका पाकिस्तान के साथ तो हमेशा रहता है तो इंडिया चाइना के साथ बात नहीं करता है चाइना इंडिया, इंडिया के साथ बात नहीं कर रहा है इस समय इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा है पाकिस्तान इंडिया से बात नहीं कर रहा है लेकिन एस के बहाने ये लोग कम से कम बात तो करते हैं अगर आप बताइए अगर एस सी अभी नहीं होता तो क्या मिनिस्टर इस्लामाबाद जाते हैं तो एस एक मौका है कि एटलीस्ट आप मजबूरी में बात करोगे बिकॉज कॉम्युनिकेशन नॉट नीड टू स्टॉप चाहे वो एक मिनट कहीं कॉम्युनिकेशन क्यों ना हो तो चाइना और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना वो एस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रांसनेशनल टेररिज्म आपको पता है यहां पे अफगानिस्तान से खासकर ये पूरा टेररिज्म आता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन के केसेस हैं तो इस एरिया में ट्रांस टेररिज्म जो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ होता है उसको हम काउंटर कर सकते हैं बिकॉज एस में आपको पता हुआ एक रैट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज़ के मिलिट्री मिलके ड्रिलिंग करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म तो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के मैकेनिज्म को यूज करके इंडिया उन ट्रांसनेशनल टेररिज्म को रोक सकता है जो इंडिया के अगेंस्ट आता हो देन पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी प्रोसेस हम अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नाउ लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द जयशंकर स्पीच जयशंकर ने क्या कहा है तो जयशंकर ने सबसे पहला चीज कहा है कि अगर हम एस चार्टर की बात करें जिसमें ट्रेड के बारे में बात किया गया है, एनर्जी फ्लोज के बारे में बात किया गया कनेक्टिविटी के बारे में बात किया गया पीपल टू तो पीपल एक्सचेंजेस के बारे में बात किया गया है। तो अगर हम एस सी ओ चार्टर विच मीन एस सी ओ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसमें ये डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हम थ्री एवल के प्रॉब्लम को रिजोल्व करें एंड वॉट आर द द्री एवल्स टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म सो विदाउट फुलफिलिंग दीज और विदाउट एक्टिंग अगेंस्ट द्रीवल हम एस चार्टर को कभी फुलफिल नहीं कर सकते हैं और ये इंडिया का एक तरीके से कैटेगोरिकल मैसेज है टूवर्ड्स पाकिस्तान सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इफ ट्रस्ट इज लैकिंग और कोऑपरेशन इज इन इफ फ्रेंडशिप हैज फॉलन शॉर्ट एंड गुड नेबरलीनेस इज मिसिंग समवेयर देन दिस इज अ रीजन टू इंट्रोस्पेक्ट तो ये इंडिया बहुत ही अच्छे से प्यारी तरीके से एस जयशंकर ने कह दिया कि अगर आप ट्रस्ट दो पड़ोसी में नहीं है दोस्ती नहीं है गुड नेबरलिनेस नहीं है तो यह एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है जिसको हमें इंट्रोस्पेक्ट करके एड्रेस करना चाहिए सो दैट शोज कि इंडिया इज विलिंग टू री एंटर और रीनेगोशिएट और री स्टार्ट इट्स रिलेशन विथ पाकिस्तान थर्ड जयशंकर ने कहा कि कोऑपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरन इक्वालिटी ये मैसेज था चाइना के लिए ऑल्सो दैट रिक्नाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरिटी को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए यह तीसरा जो मैसेज था वो कैटेगोरिकल चाइना के लिए था इसके बाद एस जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि आठ मेजर टेकअवेज क्या है एस सी के फ्रॉम इंडियन परसपेक्टिव आठ मेजर टेकअवर्स इसमें अगर बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो जी ट्वेंटी का भी थीम था मिशन लाइफ के बारे में फोकस किया गया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वॉर्मेंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का सबसे इमर्जिंग एसेट है यूपीआई डिजिटल इंक्लूजन की बात की गई डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स की बात की गई वेस्टर्न सैंक्शंस प्रोटेक्शनिज्म उसके अगेंस्ट बात किया गया एंड यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की बात की गई तो इंडिया के परस्पेक्टिव से ये आठ मेजर टेकअवेज थे जो एस के समिट से निकल के आए सो इंडिया के लिए एस सी ओ समिट वरीफ ऑल्सो मेडिवली बेटर स्पीच देन वॉट ही यूज टू डू पहला चीज उन्होंने कहा कि एस सी ओ इज अन ऑफ मल्टीलैप्टरिज्म इज अ चैंपियन ऑफ मल्टीलैप्टिज्म एस को बनाया ही गया था यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट जब अमेर, अमेरिका की यूनिपोलॉरिटी थी पावर्टी इज अ मॉरल इम्पेरेटिव क्लाइमेट चेंज एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर्टी को खत्म करना ये केवल नेसेसिटी नहीं है इट्स अ मॉरल रिक्वायरमेंट मॉरलिटी के लिए बहुत जरूरी है और क्लाइमेट चेंज आज के दौर में इट पॉजिज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यूनिलैट्रल कोर्सिव मेजर्स एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी रन कॉन्ट्री टू द प्रिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये अगेन इंडिया का भी कहना था कि सैंक्शंस लगाने का मेजर को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो आज वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं कोअर्सिव मेजर्स की डॉलर यूज करना बंद कर देंगे ये सारे प्रिंस, ये सारे जो एक्शन वेस्ट लेता है इट इज कॉन्ट्री टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सो यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों का स्टैंड सिमिलर है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को इंप्रूव करने की बात की गई इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की गई म्यूचुअल currencies फॉर सेटलमेंट तो अगेन इंडिया भी यही चीज़ करना चाह रहा है डी डॉलराइजेशन कैम्पेन तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो आउटलुक uh, है वो बहुत हद तक सिमिलर है इंडिया भी अफगानिस्तान में वही चाहता है जो पाकिस्तान चाह रहा है आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या कहा शहबाज शरीफ ने स्टेबल अफगानिस्तान की बात की विच इज़ नॉट ओनली डिजायरेबल बट ऑल्सो इसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और एक बहुत सरप्राइजिंग चीज जो पाकिस्तान ने कहा कि अफगान इंटरम गवर्नमेंट शुड एनश्योर पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी जो इंडिया भी कह रहा है वुमेन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन द एंड देन वन अनदर थिंग जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है अफगानिस्तान से टेररिज्म पाकिस्तान भी वही कह रहा है अफगान सॉल इज नॉट रिसयूज फॉर टेररिज्म अगेंस्ट नेबर्स बाई एनी एंटिटी तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दोनों इंडिया और पाकिस्तान में एक इस पूरे एससीओ में देखने को मिल रहा है एंड इज वाई एस जयशंकर क्लियरली पहला एस सीओ का मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया जितने भी बाकी कंट्रीज है उन सबने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया इंडिया ने इस इसको ब्लॉक किया था बट बाकी सारे कंट्रीज ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को एंडोर्स किया है दूसरा जो एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि एस इंडिया ज्वाइन किया था मल्टीपोलरिटी को इंश्योर करने के लिए एस इंडिया ज्वाइन किया था एशिया में सिक्योरिटी रहे एस इंडिया कभी ज्वाइन नहीं किया था कि वेस्ट वेस्ट की अगेंस्ट कानून लेकिन आजकल एस क्या हो गया है एस का जो संगठन जो 2001 में बनाया गया था और आज हम 2024 की बात करें तो आज एस में दो बड़े चेंजेस आए हैं एक तो एस चाइना डोमिनेटेड हो चुका है और एस में धीरे धीरे एंटी वेस्ट कैरेक्टर आ रहा है एंटी वेस्ट कैरेक्टर कैसे आप देख सकते हैं ईरान और बेलरूस को ज्वाइन करना तो ये इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क अगेंस्ट द वेस्ट इंडिया पॉलिसी स्ट्रेटेजिक इकोनमी विच मीन इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट बट नॉट एंटी वेस्ट तो धीरे धीरे एस सी ओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइना डोमिनेटेड हो रहा है और एंटी वेस्ट हो रहा है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए फ्रॉम माई फाइव मेजर टेकअवेज की बहुत लोग कहते हैं कि एस सी ओ बंद कर देना चाहिए एससीओ में क्या फायदा है बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग आज इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे यूनाइटेड नेशन डिसफंक्शनल है एटलीस्ट ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेश मिलते तो हैं हर साल दो बार मिलते हैं कुछ तो बातचीत होती है सो कॉम्युनिकेशन गैप डज नॉट हैपन सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग इंडिया एस के अंदर रह के बहुत कुछ तो नहीं पा सकता है बट बाहर रह के बहुत कुछ खो सकता है रिवाइवल ऑफ सार्क ये भी इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज को मिलकर करना चाहिए खासकर भारत को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान जाके एस समिट के लिए कर सकते हो तो क्यों फिर आपने सार्क बॉयकॉट कर रखा है ये क्वेश्चन तो एस जयशंकर को जरूर एड्रेस करना चाहिए कि ये तो बहुत ही डुअल स्टैंडर्ड दिखला रहा है वेस्टर्न ट्रैप्स आर डेंजरस वेस्ट के ट्रैप से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए वेस्ट कभी नहीं चाहता है साउथ एशिया और एशिया में सॉलिडारिटी हो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा है कि अगर एशियन कंट्रीज एक साथ हो जाए तो वेस्ट की हेजमनी तुरंत खत्म हो सकती है तो जब तक इंडिया चाइना लड़ेंगे इंडिया पाकिस्तान लड़ेगा इंडिया ये सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे इससे कुछ नहीं होगा इससे केवल वेस्ट का फायदा होगा पाकिस्तान पीपल शुड नॉट बी कम्पेयर विद द ट्राय ऑफ पॉलिटिकल आर्मी एंड ब्यूरोट्स पाकिस्तान की लोग और जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन आर्मी ब्यूरोक्रेसी ये दोनों अलग हैं पाकिस्तान पीपल आर फेसिंग मोस्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स विच अदर साउथ एशियन कंट्रीज आर फेसिंग बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान पीपल ऑल्सो वांट्स अ गुड लाइफ बट जो पॉलिटिशियंस है आर्मी है ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया का डर फैला के अपने वोट बैंक और अपना करप्शन को कंटिन्यू करते हैं इसलिए इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू स्टार्ट इंगेजिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान नॉट विद दीज पॉलिटिशियंस आर्मी एंड ब्यूरो माइंडलेस एक्सपांशन न्यूट्रॉमी डन एस का माइनस एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर आप इसको अननेसेली एक्सपैंड करोगे तो ऑलरेडी एस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत जब बहुत सारे कंट्री हो जाते हैं जब आप और नए नए कंट्रीज ऐड कर देते हो तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इसलिए एस का एक्सपेंशन सोच समझ के करना चाहिए इनफैक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतना इफेक्टिवली ये काम करेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपके कोई मेजर टेकअवेज हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर